Yes, good morning class 6, very good morning to all of you. Class 6, today we are going to discuss chapter number 6 from history. And yes, as you have seen that, the chapter name is Kingdom, Kings and Early Republics. Yes, आज हम पढ़ने जा रहे हैं basically chapter number 6 जो है वो उसमें जो हमें पढ़ना है वो Kingdom यानी कि साम्राज्य, ठीक है, King and Early Republic, राजा उनके साम्राज्य और जो अर्ली रिपब्लिक से रिलेटेड जो बातें हैं आज बेसिकली हम वन बाय वन जो सारे टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज जो हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 6 में उसका आज जो टॉपिक्स है हमारे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ध्यान देंगे, यस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टॉपिक नंबर 1, दैट इज हाउ सम मैन बिकम रूलर्स। यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हेनेवर यू गोइंग टू रीड दिस चैप्टर, ओके, यू हैव टू नो अबाउट इट, यस, हाउ सम मैन बिकम रूलर्स। कुछ लोग जो थे वो राजा की उपाधि कैसे गेन किए, कैसे वो राजा बने, कौन कौन सी चीजें उन लोगों को सैक्रिफाइस करनी पड़ी, या फिर कैसी रिचुअल थिंग्स, या बहुत सारी बातें हैं जो इस टॉपिक में डिस्कस करनी, इन सब चीजों को परफॉर्म करने के बाद कैसे कोई एक इंसान, आम इंसान राजा बनता है या बन सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज जनपद्स, ओके, द टॉपिक नेम इज जनपद। आप इसको एनालिसिस करोगे तो यहाँ देखो JANAPADS, जन से जनपद बना है, ठीक है, जनपद, ओके। तो इसके बारे में भी हम बेसिकली डिस्कस करेंगे, जनपद है क्या एक्चुअली, जनपद के अंदर कौन सी चीजें आती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट महाजनपद, और नेक्स्ट टॉपिक इज महाजनपद। यस, हम लोग जनपद पढ़ने के बाद महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, जनपद क्या है, अगर जनपद को समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी से हम महाजनपद को भी समझ सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर बुक, ओके। फिर आगे हम जब जैसे बढ़ेंगे हम आगे पाएंगे, कुछ टैक्सेस के बारे में बात करिए, टैक्स के बारे में आप टैक्स वर्ड से आप सब बहुत अच्छी तरीके से फेमिलियर होंगे, नो डाउट, ओके। बट यहाँ जो टैक्सेस थे ये ऐसे कौन से टैक्सेस थे उस जमाने में जब राजा महाराजा या उनके किंगडम, उनके सल्तनत की बात जब हो रही है, वहां पर अगर टैक्स या टैक्सेस वर्ड का इस्तेमाल हुआ हो तो वैसे कंडीशन में किस तरह के टैक्सेस होते होंगे, उस टैक्स के क्या टर्म एंड कंडीशन होते होंगे, हर समय में हर जगह टैक्सेस लगते होते थे लेकिन हर टैक्स के अलग अलग मायने, अलग अलग नियम होते थे, ठीक है। आज बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ अगर टैक्स थे या टैक्स है या रहे होंगे, ओके, तो वो किस तरह के टैक्सेस के बारे में बात किया है, बुक पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा, उस टैक्सेस के टर्म एंड कंडीशंस क्या थे इसके बारे में देखेंगे, ओके। फिर आगे जैसे हम बढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक होगा दैट इज चेंज इन एग्रीकल्चर। यस, हम सब पहले, हम लोगों ने पहले इस बुक में पढ़ लिया है कि एग्रीकल्चर जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कौन कौन से क्रॉप्स थे वो बेसिकली उस समय बोए जाते थे, उनको उसको कह सकते हैं कि उस समय उसका एग्रीकल्चर हुआ करता था, कौन कौन से क्रॉप्स थे, इन सब के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है। यहाँ बेसिकली हम देखेंगे चेंजेस हुए हैं एग्रीकल्चर में, वो चेंजेस कौन से थे, क्या चेंजेस थे, किस तरह के चेंजेस में इंक्लूड किए गए थे वो देखेंगे। उसके बाद से हम जब आगे बढ़ेंगे देखेंगे एक क्लोजर लुक दैट इज मगध, दैट इज मगध, मगध साम्राज्य के बारे में बेसिकली आज हम उसके बेस कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इसमें दिए हुए हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, बेसिकली मगध एंड बी में भी है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले तो आज हम वन बाय वन हमारा चैप्टर नंबर 6 है दैट इज फ्रॉम हिस्ट्री, हम पढ़ने जा रहे हैं किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक, ठीक है, राजा उनके साम्राज्य या उनके सल्तनत और उसके गणराज्य कह सकते हैं, गणतंत्र कह सकते हैं, राइट। फिर वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे हाउ सम मैन बिकम रूलर्स, फिर पढ़ेंगे जनपद, फिर महाजनपद, फिर टैक्सेस को डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट चेंजेस इन एग्रीकल्चर, एंड लास्टली इन टुडेज वीडियो दैट इज अ क्लोजर लुक ऑफ मगध, ओके। सो लेट्स स्टार्ट आवर दिस टॉपिक दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, सो लिसन मी वेरी केयरफुली, ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट। आवर फर्स्ट टॉपिक इज दैट इज हाउ सम मैन बिकम रूलर्स, लेट्स सी। चूजिंग लीडर्स और रूलर बाय वोटिंग इज समथिंग दैट has become common during last 50 years or so. Yes, आप सब जानते हो बहुत अच्छी तरीके से, अगर आखिरी 50 सालों पर हम अगर नजर डालें तो हम पाते हैं कि हाँ लीडर्स को चूज करने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है, या फिर बहुत ही कह सकते हैं डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे,
हम वोटिंग के थ्रू हम अपने लीडर्स को, अपने रूलर्स को चूज करते हैं। रूलर्स यहाँ नहीं, यहाँ बेसिकली लीडर के इस्तेमाल करते हैं। आज के जमाने में हम ये चैप्टर जब पढ़ेंगे तब रूलर्स का इस्तेमाल करेंगे, बट बेसिकली ये जो चैप्टर कह रहा है आपका, दैट इज चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाई वोटिंग इज समथिंग दैट हैज बिकम कॉमन ड्यूरिंग लास्ट 50 ईयर। आखिरी 50 सालों में हम सब जानते हैं कि लीडर्स को वोटिंग के माध्यम से हम लोग चूज करते हैं, जब से हमारा गणतंत्र यानी संविधान लागू हुआ है जब से। आगे देखते हैं, हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट। हाँ, क्या आप सबके मन में कोई आइडिया है कि पास्ट यानी कि एंशियंट टाइम में जो आम इंसान थे वो रूलर कैसे बना करते थे? क्या किसी के दिमाग में ये बात है? क्या आप में से कोई बता सकते हो कि कैसे पहले के जमाने में रूलर्स कैसे बना करते थे? आज में तो है, आप किसी लीडर को चूज करना है तो एक जेन्युइन प्रोसेस से गुजरना होता है, जिसे हम कहते हैं वोटिंग, इलेक्शन कह सकते हैं, इलेक्शन में वोटिंग होता है, जिसके थ्रू हम लीडर्स को या रूलर्स को चूज कर लेते हैं। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी आया कि आज से हजारों साल पहले उस समय रूलर्स का चुनाव कैसे होता था, लीडर्स कैसे बनते थे, या फिर किंग जो है वो कैसे समझ में आता कि वही हमारा किंग है? जरा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी, सम ऑफ द राजास वी आर रीड अबाउट इन चैप्टर 5 वेर प्रोबेबली चूजन बाय द जना, दैट इज पीपल। हाँ, चैप्टर 5 में हम लोगों ने पढ़ा था बहुत सारे राजा जो थे वो जन यानी कि वहां के जो लोकल पब्लिक थे उसके थ्रू चूज किए जाते थे। बट Around 3000 year ago, we find some changes taking place in way which the rajas were chosen. But अगर 3000 साल पहले की बात करें, ठीक है, तो उस ego की बात करें, ठीक है, तो हम we find some changes taking place. हाँ, कुछ changes वहाँ पे देखने को मिले हैं। कैसे changes हैं? जरा देखें, in the way of choosing where राजा, हाँ, जो राजा के चूज करने के तौर तरीके थे उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं हमें इसमें। अब वो चेंजेस क्या थे जरा देखते हैं। सम मैन नाउ बिकम रिकॉग्नाइज एज राजा बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सैक्रिफाइस। एक लाइन में आपको ये बुक समझा दिया है कि कुछ राजा जो थे वो बहुत बड़े बड़े सैक्रिफाइस किए थे, बहुत बड़े बड़े त्याग किए थे। अब किस तरह के सेक्रीफाइस थे, किस तरह के त्याग थे, अपने फैसिलिटीज या अकोमोडेशन किस तरह से लोगों को पहले निछावर करके फिर बाद में उसके फैसिलिटीज को गेन किया, ये कैसे हो पाया इसके बारे में देखेंगे। मैं फिर से बोल दूं, सम मैन नाउ बिकम रिकॉग्नाइज एज राजा, कुछ लोग को राजा के तौर पर देखा जाने लगा। कैसे? बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइस, बहुत बड़े त्याग, बड़े क्या कह सकते हैं, सेक्रीफाइस का मतलब बलिदान कह सकते हैं, बहुत बलिदान दिया उन लोगों ने, बहुत त्याग किया, तब जाके वो लोग अपने आप को राजा के तौर पर उनको लोगों ने देखा जाने लगा, रिकॉग्नाइज किया जाने लगा। अब आगे देखते हैं क्या है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसे ध्यान से सुनना। ये कह रहा है द अश्वमेध और अ हॉर्स हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज वन ऑफ सच रिचुअल। अच्छा, आगे देखिए जरा, अ हॉर्स वॉज लेट चूज टू वेंडर फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाई द राजाज मैन। इफ द हॉर्स वेंडर इन टू द किंगडम ऑफ अदर राजा दे स्टॉप्ड इट, दे हैड टू फाइट। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हाँ, पहले के समय में क्या होता था, राजा जो है अपने एक अश्वमेध नाम का कह सकते हैं या उस ऐसे रिलेटेड कुछ एक घोड़ा होता था, उसे वो छोड़ देते थे, ठीक है, चहलकदमी करने के लिए, टहलने के लिए, किसी दूसरे राज्य में जाने के लिए, और कुछ सैनिक उसके साथ जाया करते थे, ठीक है। और इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता था कि अगर उस घोड़े को किसी ने रोक लिया, किसी दूसरे किंगडम्स के रूलर या राजा ने उसे रोक लिया, तो इसका मतलब ये है कि वो राजा जिसने रोका है वो अपने आप को उस राजा से ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा संपन्न समझता है जिसने वो अश्वमेध का घोड़ा को रिलीज किया था। कैसे? जरा देखे, यहाँ कहता है ए हॉर्स वॉज लेट लूज टू वेंडर फ्रीली। हाँ, घोड़ा को फ्रीली छोड़ दिया था कि वो एक जगह दूसरी जगह घूम सके, आवागमन कर सके, ठीक है, एंड फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाई राजाज मैन, और कुछ राजाज के सैनिक थे उसको गार्ड करते, उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ जाते थे कि ये घोड़ा कहाँ जाता है, इसे कौन रोकता है। अगर किसी ने नहीं रोका तो इसका मतलब हुआ कि वो उस राजा से युद्ध नहीं करना चाहते या उस राजा से अपने आप को ज्यादा सुखी, समृद्ध या शक्तिशाली नहीं मानते हैं, ये कारण थे। देखता हूँ आगे इसमें जिक्र किया है, कह रहा है इफ द हॉर्स wandered into the kingdom of other raja and they stopped it, they had to fight. अगर हाँ, वो घोड़ा किसी अदर सल्तनत में एंटर कर जाता है और किसी राजा ने उसे रोक लिया, इसका मतलब है कि आपको उससे फाइट करना पड़ेगा जिस राजा ने इस अश्वमेध के घोड़ा को रिलीज किया है। बहुत अजीब बात है, जरा देखते आगे।
If they allowed the horse to pass, it means that they accepted the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. हाँ, अगर आपने उस घोड़ा को रोक लिया तो लड़ाई आपने आपने करनी होगी उस राजा से जिसने उस घोड़ा छोड़ा. अगर आपने उस घोड़े को नहीं रोका और जाने दिया, इसका मतलब ये है कि जिस शासक ने, जिस रूलर ने, जिस किंग ने उस अश्वमेध के घोड़े को छोड़ा है, यानी कि वो आपसे ज्यादा शक्तिशाली है, आप उसे फाइट करने में असमर्थ हो. इसका कुछ इस तरह से मतलब निकाला जाता था अश्वमेध का जब घोड़ा छोड़ने के बाद. ठीक है, आगे देखते हैं. कह रहा है These rajas were then invited to the sacrifice which was performed by specially trained tribes who were rewarded with gift. और हाँ, ये राजा जो थे बाद में स्पेशल सेक्रीफाइस के लिए सेक्रीफाइस करते थे और कुछ ऑर्गेनाइज करते थे ऐसे चीजों को जो स्पेशल प्राइस्ड यानी पुजारी थे उनके थ्रू एक रिचुअल थिंग्स को ऑर्गेनाइज किया जाता था. ठीक है, जो ट्रेंड प्राइस्ड हुआ करते थे पुजारी थे हु वर रिवार्डेड विद द गिफ्ट, जो गिफ्ट के थ्रू जिनको गिफ्ट के साथ रिवार्ड यानी उन्हें उपहार के तौर पर दिया जाता था. द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज वेरी बिग पावरफुल. और हाँ, वैसे राजा को बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही मजबूत, बहुत ही पावरफुल माना जाता था जिसने इस तरह का सैक्रिफाइस किया है, जिसने अश्वमेध के, क्या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, जिसने अश्वमेध के घोड़े को रिलीज किया जाने दिया. आगे देखते हैं. द राजा हु ऑर्गेनाइज द सैक्रिफाइस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज वेरी बिग पावर बिग एंड वेरी बीइंग वेरी पावरफुल एंड ऑल दोज हु केम ब्राउड टू हिम फॉर गिफ्ट. और जितने लोग, जिन लोगों ने उस घोड़े को नहीं रोका, वो कहीं ना कहीं आते थे और उस राजा के लिए गिफ्ट लेके आते थे कि हाँ वाकई में बहुत शक्तिशाली हो, क्योंकि अश्वमेध के घोड़े को किसी ने रोका नहीं. अगर आप रोकते तो इसका मतलब यही होता कि आपने उस राजा के साथ फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको अपने से ज्यादा शक्तिशाली नहीं समझते हो, या फिर आसान शब्दों में कह लें कि आप समझते हो कि नहीं मैं तुमसे ज्यादा तेजस्वी हूँ, ज्यादा शक्तिशाली हूँ, तो फिर फाइट करना होता था. तो ये सब चीजें थी जो उसमें इंक्लूड हुआ करती थी. इन सब चीजों को कहीं ना कहीं देखा जाता, जिससे पता चलता था कि हाँ कौन कितना बड़ा राजा है, किसने उस राजा की शक्ति को मान लिया कि हाँ तुम बहुत शक्तिशाली हो, किसने उसकी शक्ति को नहीं माना और उसे फाइट करने के लिए तैयार हो गया. ये सारी चीजें जो है हमारे टॉपिक को एक्सप्लेन करती है, दैट इज हाउ सम मैन बिकम रूलर्स. आगे देखते हैं. द राजा वाज सेंट्रल फिगर ऑफ दिस रिचुअल्स. ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, अ थ्रोन ऑफ अ टाइगर स्किन. हाँ, इस सब में राजा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था. सारे रिचुअल्स का जो है स्पेशल सेंटर जो था वो कहीं ना कहीं सेंट्रल फिगर वो राजा ही हुआ करता था. और एक सबसे खास बात ये थी, ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, राजा का स्पेशल सीट हुआ करता था जिसके सिंहासन पर कह सकते हैं शेर की खाल से खाल बिछा होता था. ओके, कह रहे हैं थ्रोन और अ टाइगर स्किन सीट, अ थ्रोन और अ टाइगर, जिसकी सिंहासन की जो सीट थी वो किसी ने किया तो किसी राज सिंहासन की होती थी या फिर किसी शेर की खाल की कह सकते हैं वो बना होता था. हिज चैरिटियर हु वाज हिज कंपेनियन एंड द बैटल फील्ड वेन विटनेस टू हिज एक्सप्लॉइट. हाँ, और जो उसका सारथी था, राजा का जो सारथी, अगर राजा के जो रथ चलाते हैं उसे हम रथ को चलाने वाले को सारथी कहते हैं, वो जो सारथी था वो इन सब चीजों का गवाह बना करता था कि हाँ इस युद्ध में इस राजा ने कैसा परफॉर्म किया, उसके कैसे उसके उसने किस तरह से लड़ा या फिर युद्ध किया या कैसे जीता या फिर हारा, सारी चीजों को कहीं ना कहीं सारथी जो थे वो गवाह होते थे. कह रहा हिज चैरिटियर हु वॉज हिज कैंपेनियन इन द बैटल फील्ड इज विटनेस हिज एक्सप्लॉइट्स, उसके कारनामों का जो विटनेस हुआ करता था. एंड चेंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी, और उसके राजा की ग्लोरी की गाथा गाया करता था कि हमारे राजा जो इन्होंने युद्ध में लड़ा और इस तरह से उस राजा को हराया, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी योद्धा की तरह लड़े, ये सारी चीजों का गाथा जो है वो उनकी ग्लोरी यानी राजा किंग की ग्लोरी की जो गाथा गाता था वो ये सारथी यानी कि जो रथ को चलाने वाला होता था उस अगला लाइन में कह रहा है His relatives, especially his wives and son, had performed a variety of minor rituals. और इतना ही नहीं, इसमें और लोगों का भी इंक्लूड है. राजा तो राजा था लेकिन उसके बच्चे या उसकी जो बीवियां हुआ करती थी वो भी इस rituals things में बहुत ही important रोल प्ले करती थी. कह रहा है had to perform a variety of minor rituals. The other Raja were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice. ओके, और जो बाकी राजा जो थे वो कहीं ना कहीं कह सकते दर्शक के तौर पर उस सभा में बैठे थे और राजा के जितने भी कह सकते हैं राजा के उसकी
परफॉर्मेंस या फिर उसकी सेक्रीफाइस को वो लोग देखते थे और कहीं ना कहीं इस चीज को वो लोग मानते थे कि हाँ ये राजा कहीं ना कहीं हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए कह रहा है द अदर राजा वी आर सिंपली स्पेक्टेटर्स हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस, जो बलिदान होते थे या परफॉर्मेंस सब चीजों को वो कहीं ना कहीं बैठ के देख रहे होते थे, दर्शक बने। ठीक है, आगे कह रहा है प्राइस्ड फॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ केयर्ड वाटर ऑफ द किंग, और हाँ जो पुजारी होते थे वो एक विशेष प्रकार का जल जिसे हम कह सकते पवित्र जल वो राजा के ऊपर लाकर छिड़कता था। ठीक है, ये रिचुअल थिंग्स में ये सब इंक्लूड है। कह रहा प्राइस परफॉर्म अ रिचुअल्स, हाँ प्राइस जो पुजारी थे वो कुछ रिचुअल्स यानी कुछ काम करते थे, ऐसे कह सकते हैं वो पूजा पाठ से रिलेटेड या फिर उसके स्वागत सम्मान से रिलेटेड कुछ ऐसे काम करते थे जिसके थ्रू वो स्प्रिंकलिंग ऑफ स्केयर्ड वाटर यानी उसके राजा के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव करते थे वो। ठीक है, द ऑर्डिनरी पीपुल द वैश्य और विश या वैश्य ऑल्सो ब्राउड गिफ्ट, और जो बाकी साधारण लोग थे वहां के वो लोग भी कहीं ना कहीं उपहार के तौर पर कुछ ना कुछ लेकर आते थे। वहां पे कह रहा है हाउ एवर सम पीपुल सच एज दोज हु वेयर रिगार्डेड एज शूद्र बाई द प्राइस हु एक्सक्लूड फ्रॉम द मेनी रिचुअल्स, और एक चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये दिखती है, यहाँ तो कह रहा है पहले लाइन में हमने पढ़ा कि जो वैश्य जो थे वो कहीं ना कहीं कुछ गिफ्ट वगैरह लाया करते थे, तोहफा उपहार के तौर पर लाया करते थे, लेकिन एक विशेष प्रकार की कैटेगरी के लोग हुआ करते थे जिन्हें इन सब सारे रिचुअल थिंग से इन सारे रीति रिवाजों से अलग रखा जाता था, बाहर रखा जाता था। वो क्या था मैं फिर से बोल दूं, हाउ एवर सम पीपल सच एज दोज Who were regarded as शूद्र। हाँ, आपने वर्ण के बारे में पढ़ा होगा, हम आगे पढ़ने वाले हैं बेसिकली वर्ण, और मैंने लास्ट डे आपको वर्ण के बारे में डिस्कस भी किया था और बहुत सारे बच्चों ने इसके आंसर भी दिए थे कि वर्ण क्या है, कितने वर्ण, वर्ण कितने तरह के होते हैं, लाइक दैट, इसके ऊपर हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, राइट। बट आज फिर से यहाँ देखेंगे, यहाँ कह रहा है वर्ण जो है, सॉरी मैं बोल रहा था हाउ एवर सम पीपल सच एज दोज हु वेयर रिगार्डेड एज शूद्र, मैंने शूद्र के बारे में लास्ट क्लास में पूछा था आप लोगों ने, जो लोग शूद्र के तौर पर देखे जाते थे या फिर पुजारियों ने जिन्हें शूद्र की श्रेणी में रखा करते थे वेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेनी रिचुअल्स, उन्हें बहुत सारे रिचुअल थिंग्स से क्या बाहर रखा जाता था, क्योंकि जब मैं आगे वर्ण जब हम लोगों ने पढ़ेंगे या फिर हम लोगों ने पढ़ चुका है उसमें हम लोगों ने जाना कैसे शूद्र को हम लोगों ने सबसे अलग कैटेगरी में, हम लोगों ने नहीं प्राइस ने उस जमाने के अलग कैटेगरी में रखा करते थे, बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्मेंस से उन्हें अलग एक्सक्लूड रखा जाता था, उन्हें इस बात की अनुमति नहीं थी कि आप आम लोगों की तरह रिचुअल परफॉर्मेंस या थिंग्स में एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कर पाओ, इसके बहुत सारे कारण थे। जब हम वर्ण पढ़ेंगे और हमने जब वर्ण पढ़ा था लास्ट क्लास में डिस्कस किया था तो हमने जाना था कैसे जो अलग अलग फोर कैटेगरी के जो वर्ण हैं उनके क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं इसके बारे में। ठीक है, तो उन्हें बेसिकली ऐसे रिचुअल से बाहर रखा जाता था। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये वर्ण आप लोगों ने पढ़ा भी है, आप इसे पर दोबारा फिर से पढ़ लेंगे। ओके, मैं आगे बढ़ता हूं, आगे जो हमारा अगला पॉइंट है दैट इज जनपद। यस, अब हमने जाना है कैसे हाउस ऑफ मैन बिकम रूलर्स, जो आम साधारण इंसान थे या कुछ बेसिकली साधारण नहीं कह सकते इसे, कैसे थे कुछ स्पेसिफिक पर्सन जो थे वो कैसे आगे चलकर रूलर का उपाधि कह सकते हैं रूलर बन गए, किंग बन गए, राइट। आगे हम देखते हैं जनपद, जन से जन यानी लोग, लोग यानी कि हमारे आम साधारण जनता जो होती है उससे कहीं ना कहीं जन बना, और जनपद, जनपद क्या है इसके बारे में हम देखते हैं, अच्छे समझ में आएगा हम बुक को पढ़ेंगे तो। लेट्स सी व्हाट इज जनपद, द राजा हु परफॉर्म थिंग्स दिस बिग सैक्रिफाइस वी आर नाउ रिकॉग्नाइज एज बीइंग राजा ऑफ जनपदाज रेदर देन जनाज। हाँ, अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हम राजा की बात करें तो राजा हमारा कैसे रिकॉग्नाइज होता था, राजा को राजा कौन बनाता था, राजा खुद से ही सारी चीजें डिसाइड नहीं करता था, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हम उस सल्तनत के उस किंगडम के जो पीपल्स थे उनका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। कैसे जरा देखते हैं, द राजा हु परफॉर्म दिस बिग सैक्रिफाइस दे आर नाउ रिकॉग्नाइज एज बिग राजा ऑफ जनपद। हाँ, आप जैसे राजा जो है उसको रिकॉग्नाइज करते थे किसी जनपद के राजा के तौर पर, और जनपद का राजा दैट मींस जन यानी वहां की जो आम जनता है उन लोगों ने उस राजा को अपना राजा माना है, राइट। इन सब चीजों के लेके आगे देखते हैं, कहता है रेदर देन जनरल, द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जन सेट अ फुट एंड सेटल डाउन। यस, ये जो वर्ड है हमारा इस लाइन से क्लियर हो गया, दैट इज जनपद जो है हमने हम पढ़ रहे इसमें दिया है द वर्ड जनपद, जो जनपद है लिटरली कहां से आया है, इसका मतलब ये होता है
द वर्ड जनपद लिटरली मीन दैट द लैंड वेयर जन सेट द फूड, वो ऐसी जमीन, ऐसा जगह जमीन जहां पे जन यानी कि आम लोगों ने अपने जन पैर को रखा, दैट मीन्स वहां गए, रह गए और वहां सर्वाइव करने लगे। आगे कह रहा है जना सेट इट फूड एंड सेटल डाउन, हाँ बाहर से लोग आए वहां अपने पैर को रखा यानी कि वहां रहने लगे और वहां सर्वाइव करने और वहीं सेटल डाउन हो गए, उन्हें हम जनपद के नाम से जाना जाने लगा। वो जो एरिया है, वो जो लैंड है, वो जनपद के नाम से जाना जाने लगा। देखे तो आगे कहता है सम इम्पोर्टेंट जनपद आर शोन इन मैप 457 पेज नंबर, अगर हम देखेंगे तो वी फाइंड आउट देयर आर सम इम्पोर्टेंट जनपद जो कि मैप में दिखा रहा है। ओके आगे देखते हैं क्या कहता है अगला लाइन, नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकवेट अ नंबर ऑफ सेटलमेंट इन द जनपद। हाँ अगर हम बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हमारे थे, जो उन्होंने बहुत सारे चीजों को खोद कर निकाला, नंबर ऑफ सेटलमेंट मतलब कि बसा हुआ जो वहां का सभ्यता था, नगर था कह सकते हैं, या फिर हम बात करें जनपद की, हम जनपद का टॉपिक पढ़ रहे थे, बहुत सारे जनपद को उन लोगों ने खोज कर निकाला था। ठीक है, खुदाई के दरमियान पता चला था यहाँ बहुत सारे जनपद हुआ करते थे। और क्या है, सच एज पुराना किला इन दिल्ली। अच्छा जब पुराना किला दिल्ली की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जनपद जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा था कि हाँ यहाँ पे बहुत बड़ी पहले लोग रहा करते थे जो कि बाहर से आए थे, यही सेटल डाउन हो गए थे। पुराना किला इन दिल्ली हस्तिनापुर नियर मेरठ, अगर मेरठ के आसपास की बात करें तो वहां एक हस्तिनापुर है, वो भी कहीं ना कहीं जनपद के तौर पर जाना जाता था। पुराना किला वो जनपद के तौर पर जाना जाता था। उसके बाद से आगे बात करते हैं एंड अतरंजी खेरा नियर इटा। अतरंजी खेरा जो है वो भी इसी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया था, क्योंकि इटा यानी कि दिस लास्ट टू आर इन उत्तर प्रदेश, मेरठ और जो इटा है वो उत्तर प्रदेश में है, इसको जनपद के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया। आगे कहता है दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हर्ड्स एंड किप कैटल एज वेल अदर एनिमल्स। और जब यहाँ खुदाई हुई या फिर आर्कियोलॉजिस्टों ने सर्च किया, स्टडी किया इन जगहों के बारे में, तो पता चला कि वहां के जो लोग थे वो बेसिकली किस में रहा करते थे, दे फाउंड दैट पीपल लाइव इन हर्ड्स। वहां के लोग झुग्गी झोपड़ी या झोपड़ी में कह सकते हैं, छोटी छोटी झोपड़ियों में रहा करते थे। इतना ही नहीं, एंड कैप कैटल एज वेल अदर एनिमल, और वो कैटल्स भी यानी पशुओं को चराया करते थे, जैसे बाकी एनिमल्स को चराया था वैसे वो पशुओं को रखते थे, झोपड़ी में रहा करते थे, पशुओं को चराया करते थे वहां के लोग। दे ऑल्सो ग्रू ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, सुगर केन, सीसम एंड मस्टर्ड। और इतना ही नहीं उससे पता चला, आर्कियोलॉजिस्टों ने पता लगाया कि वो झोपड़ी में रहते थे, ठीक है, कैटल्स को रखा करते थे, ठीक है, अपने डेली यूजेस के लिए। ओके, दे केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स, ठीक है। आगे वो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स इन प्रोडक्शन करते थे, अलग अलग तरह के क्रॉप जो थे, क्या क्या थे जरा आप देखो एक बार, देयर इज राइस, वीट, बार्ली, पल्सेस, सुगर केन, सीसम एंड मस्टर्ड, इस तरह के जो फसल थे उसके भी वो लोग क्या करते थे, उसको भी ग्रो करते थे। आगे कह रहा है दे मेड इथर्न पॉट्स। अच्छा यानी कि ये पूरी तरह, ये जनपद था पूरी तरह से सुखी समृद्ध, जिस जनपद के बारे में हमने बात किया उत्तर प्रदेश में जो जनपद थे उनके बारे में जब आर्कियोलॉजिस्टों ने खोजा तो बहुत ही सुखी संपन्न जनपद पाया गया, क्योंकि पहले तो वहां के लोग झोपड़ियों में रहा करते थे नो डाउट, लेकिन साथ साथ मवेशी को भी रखा करते थे, और इतना ही नहीं वैरायटी ऑफ क्रॉप्स भी वो लोग प्रोड्यूस करते थे, अलग अलग क्रॉप्स जो कि हमने अभी डिस्कस किया, और साथ ही साथ वो मिट्टी के बर्तन भी बनाया करते थे। दे मेड अर्थन पॉट्स, सम ऑफ दिस वेयर ग्रीन कलर, अदर वेयर इन रेड, कुछ जो थे वो कलर में ग्रे हुआ करते थे, बाकी जो थे वो लाल कलर के पॉट हुआ करते थे। वहां के लोग जो थे वो इस तरह के काम भी करते थे। One special type of pottery found at this site is known as painted graveware. हाँ, और एक खास प्रकार की यहाँ पे जो मिट्टी के जो कह सकते हैं कुम्हार या फिर उसके बनाए हुए बर्तन, found their site is known as, यहाँ इस site पे खोजे गए जिसका नाम था painted graveware. painted graveware के नाम से इस जगह पे एक खास प्रकार की pottery खोजी गई थी कह सकते हैं।
एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम दिस ग्रे बॉर्ड्स हैज प्रिंटेड डिजाइन यूजुअली सिंपल लाइंस एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। उसका पैटर्न ही अलग था जो फाइंड किया गया था। यहाँ कह रहा है एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, उसके नाम से ही पता चल रहा है दिस ग्रे बॉर्ड हैड पेंटेड डिजाइन, कहीं ना कहीं जो ग्रे बॉर्ड था वो पेंटेड डिजाइन भी हुआ था, यूजुअली सिंपल लाइंस एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न हो चुकी, ज्योमेट्रिक पैटर्न में फाइंड किया गया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जनपद है वो उस समय जब आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा था तो कहीं ना कहीं बहुत सुखी समृद्ध। और हमने सबसे पहले जाना कि जनपद कहते किसे हैं, राइट। आगे हम देखते हैं महाजनपद, एक टर्म इसके साथ जनपद में टर्म जुड़ गया महा, दैट इज महाजनपद। जरा देखिए महाजनपद क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स सी, About 2500 years ago, some janpad become more important than others. Okay, I repeat once again. About 2500 years ago, some janpads become more important than others and were known as Mahajanpads. Yes, janpad तो होते थे, लेकिन लगभग 2500 साल पहले की अगर बात करें, 2500 years पहले की बात करें, आगे की बात करें, तो कहीं ना कहीं कुछ कोई जो janpads थे, कुछ जो janpad थे वो बहुत ही important थे और वो आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लिए। कैसे जरा देखते हैं। Some of these were shown on map 4. हाँ, कुछ जनपद जो आपके पेज नंबर 57 मैप 4 में शो भी कर रहा है, ओके? और आगे कहता है, most महाजनपद had as capital city. Many of these were fortified. बहुत सारे जनपद जो थे वो राजधानी हुआ करते थे और बहुत तो fortified, यानी कि किलाओं में दिखा करते थे fortified. वहाँ किला बंदी कर दी गई, यानी कि बड़े बड़े किलाओं का निर्माण किया गया। बहुत सारे जो महाजनपद है, महाजनपद ओके, उसके बारे में बता रहा है। मोस्ट ऑफ दिस were fortified. This means that huge wall of wood, brick or stone built around them. इसका मतलब कि बड़े बड़े दीवार, लकड़ियों के तख्ते से बना हुआ, बड़े बड़े दीवार कह सकते हैं, स्टोन वेयर बिल्ट अराउंड, बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ दीवार जो है इसके आसपास में इसका निर्माण किया जाता था। जो बड़े बड़े फोर्टिफिकेशन होते थे, यानी किलाबंदी जो होती थी, उसमें इन सब चीजों का इस्तेमाल हुआ करता था। आगे कह रहा है, forts were probably built because the people were afraid of attack from other kings and needed protection. बिल्कुल सही बात है। उस समय के जमाने में जो वहां के राजा महाराजा थे वो किलाओं का निर्माण इसलिए करते थे कि उन्हें इस बात की चिंता रहती थी, कहीं ना कहीं ये बात उन्हें सताती थी कि हाँ, हो सकता है जो हमारे पड़ोस में राजा था, राजा रहता है या रहता होगा, ठीक है, वो कभी ना कभी हमारे ऊपर अटैक कर देगा, तो अटैक करेगा, सीधे हमारे सल्तनत पे हमला कर देगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि मैं हार जाऊं या फिर रिजल्ट चाहे जो भी हो, उन्हें उस राजा का अटैक का डर हमेशा सताया करता था। यही रीजन था कि राजा जो है अपने आसपास सराउंडिंग में बड़े बड़े किलाओं का निर्माण करते थे ताकि उन किलाओं से दूर तक निगरानी रखी जा सके। बड़े बड़े वॉल्स, जैसा कि अभी हमने लास्ट लाइन में पढ़ा, बड़े बड़े वॉल्स जो है जो कि वुडन थिंग्स से, स्टोन से, बड़े बड़े पत्थरों से निर्माण दीवार बनाया जाता था ताकि वो दीवार उन अदर किंगडम के जो राजा है उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, वो प्रोटेक्शन दे सके, उससे बच सके, बेसिकली अगर देखा जाए तो, ठीक है। कहता है, मैं फिर से बोल दूं, बिकॉज पीपुल वेयर अफेयर्ड ऑफ अटैक फ्रॉम अदर किंग नीडेड प्रोटेक्शन, उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए था, उनको डर था कि कहीं दूसरे सल्तनत या साम्राज्य का किंग जो है हम पे अटैक ना कर दे, इसलिए इस तरह के फोर्टिफिकेशंस, बड़े बड़े वॉल्स उस समय के जमाने में निर्माण किए जाते थे। आगे कह रहा है, इट इज ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वॉन्टेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वेयर, बिल्ड अ लार्ज टॉल इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड द सिटी। और इसका एक और कारण ये भी था, पहला तो हमने बताया कहीं ना कहीं डर सताता था वहां के राजाओं को कि हो सकता है अटैक हम पे कभी भी हो सकता है। दूसरा एक अलग कारण इसका ये भी था, यहाँ कह रहा बहुत सारे राजाओं को अपनी शानो शौकत, अपने वेल्दीएस्ट होने का इस चीज का एहसास कराने के लिए भी कभी कभी ये बड़े बड़े वॉल्स, बड़े बड़े फोर्टिफिकेशन करवाया करते थे, बड़े बड़े किलाओं का किलाबंदी करते थे। क्यों? क्योंकि अपने आप को दिखाना था कि मैं कितना समृद्ध हूं, इसके एवज में वो बड़े दीवार और इंप्रेसिव वॉल का निर्माण भी कराया करते थे। बहुत इंप्रेसिव देखने में लगे कि हाँ, ये वाकई में किला किसी बहुत बड़े राजा या महाराजा का हुआ करता था। ये भी रीजन था। कह रहा, also in this way, the land and the people living inside the fortified area could be controlled most easier by the king. Yes, और एक और कारण ये भी था कि अगर जितने भी लोग आसपास उस किला के पास रहते थे, अगर हम उस किले को अच्छी तरह से घेराबंदी करके रखें, तो आस पड़ोस के जो उसके अंदर में अंतर्गत आने वाले लोग जो हैं, उनको बड़ी आसानी से कंट्रोल भी किया जा सकता है। एक ये भी रीजन हुआ करता था उस समय के राजाओं का, ठीक है। वैसे तो हम लोग बेसिकली तीन रीजन जाना, एक तो अटैक से बचने के लिए प्रोटेक्शन, दूसरा अपने आप को दिखाने के लिए कि हाउ आई एम वेल्दीएस्ट
ओके। और तीसरा कहीं ना कहीं वहां के पब्लिक पे कंट्रोल करने का एक बहुत आसान जरिया था। ठीक है, कह रहा है बिल्डिंग सच एज ह्यूज वॉल रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, थाउजेंड्स इफ नॉट लैक ऑफ ब्रिक स्टोन हैड टू बी प्रिपेयर्ड। हाँ, और इतना आसान नहीं था इन बिल्डिंग्स को, इन वॉल्स को बनाना, इन किलाओं को बनाना, कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत प्लानिंग की जरूरत थी, प्रिपरेशन करना होता था और बहुत सारे पत्थरों की जरूरत भी होती थी इसको बनाने में। आगे कहता है this is turned enormous labor provided possibly by thousands of men, women, children। और इतना ही नहीं, इसको बनाने में हो सकता है कि लगभग विशालकाय लोगों की जरूरत पड़े, विशालकाय लेबर्स की जरूरत पड़े, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो या फिर चिल्ड्रेन ही क्यों ना हो। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड ऑल ऑफ दिस एंड रिसोर्सेज कहीं ना कहीं बाद में ढूंढे जाने लगे और बहुत सारे हाईली कह सकते हैं नंबर ऑफ क्वांटिटी में लेबर्स या फिर पर्संस की जरूरत पड़ सकती थी इसको बनाने में। तो ये बनाना इतना आसान नहीं था। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा किस तरह से महाजनपद जो थे राजाओं को एक बहुत अट्रैक्ट करने का बहुत बड़ा जरिया था। राजा इस महाजनपद को अपना कैपिटल मानते थे, वहां फोर्टिफिकेशन करते थे और फोर्टिफिकेशन करने का मतलब को हम लोगों ने जाना, उसके बेसिक मतलब क्या निकाले जा सकते हैं। आगे कहता है द न्यू राजा नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सोल्जर्स वेयर पेड रेगुलर सैलरी एंड मेंटेन बाय टेकिंग थ्रू द ईयर ट्रेनिंग थ्रू आउट द ईयर। और हाँ, इन राजा को कहीं ना कहीं एक आर्मी भी मेंटेन करनी पड़ती थी, सिर्फ फोर्टिफिकेशन करा देना ही सॉल्यूशन नहीं था। एक इतने बड़े साम्राज्य को, किंगडम को रन करना, उसको कंट्रोल करना, उसको एडमिनिस्ट्रेट करना, दैट इज नॉट टू मच इजी फॉर एनी किंग और एनी रूलर। दैट इज सो दैट द न्यू राजा नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मी। तो राजा क्या करते थे, आर्मी को भी मेंटेन करना स्टार्ट कर दिए। सोल्जर्स वेयर पेड रेगुलर सैलरी एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। और सोल्जर्स को सालों भर राजा जो है वो मेंटेन करते थे और रेगुलर सैलरी भी दिया करते थे ताकि वो उसकी सल्तनत की रक्षा कर सके, उसकी सल्तनत के काम आ सके। ओके, सम पेमेंट्स वेयर प्रॉब्ली मेड यूजिंग पंच मार्क कॉइन। और कुछ कुछ पेमेंट तो ऐसे भी थे जो पंच मार्क कॉइन के थ्रू पेमेंट किए जाते थे, सैलरी दी जाती थी। ठीक है, सी द इलस्ट्रेशन ऑन पेज नंबर 92। जब 92 हम देखेंगे उसमें समझ में आएगा कि किस तरह के वहां पंच मार्क कॉइन थे और किस तरह से वो सैलरी दी जाती थी वो हम देखेंगे। यू विल रीड मोर अबाउट दिस कॉइन इन चैप्टर नंबर 9। यस, चैप्टर नंबर 9 में जब हम आएंगे तो इस तरह के प्रिंटेड कॉइन्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बहुत डीपली पढ़ेंगे। फिलहाल हम इतना जानते हैं कि बहुत सारे राजा जो थे वो आर्मी मेंटेन किया करते थे। ठीक है, और आर्मी मेंटेन करके उसको थ्रू आउट द ईयर सैलरी पे करते थे और उसको रखते थे ताकि ये जो सोल्जर्स हैं, आप सब जानते हो किस काम के लिए सोल्जर को रखे जा सकते थे। और कुछ कुछ पेमेंट जो थे वो प्रोबेबली जो है प्रिंटेड कॉइन के थ्रू पेमेंट की जाती थी। ठीक है, ओके, ये तो हो गई सोल्जर्स रखने की बात। लेकिन हम नेक्स्ट आते हैं, दैट इज टैक्सेस। यस, मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था टैक्सेस के बारे में। यहाँ पे कुछ टैक्सेस का जिक्र है और ये टैक्सेस किस तरह के हैं जरा इसके बारे में हम देखेंगे, तो समझ में आया क्या ये आज के टैक्सेस के जैसे हैं या फिर उस समय के टैक्सेस जो है वो डिफरेंट टैक्सेस हुआ करते थे। लेट्स सी, एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपद वेयर आर नंबर ए बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, यस मेंटेनिंग बिग आर्मीज। हाँ, हम सब ने अभी अभी जस्ट पढ़ा कि जो महाजनपद के रूलर जो थे वो बेसिकली दो चीजों को तो बेसिकली मेंटेन करते ही करते थे। पहला, बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, बड़े बड़े किलाओं का निर्माण करना। आप सब ने जाना किलाओं का निर्माण किस लिए किया जिसका राजा करते थे, उसके कौन कौन से कारण थे, एक दो नहीं आप तीन कारण बता सकते हो। और दूसरा, मेंटेन बिग आर्मीज। अभी जस्ट हमने ऊपर वाली लाइन में पढ़ा कि आर्मी को भी मेंटेन करना था राजाओं को, इसका रीजन आप सब बहुत अच्छी तरीके जानते हो, आर्मी को मेंटेन करने का पर्पस क्या हो सकता है। लेट्स सी, दे नीडेड मोर रिसोर्स। हाँ, एंड दे नीडेड ऑफिशियल टू कलेक्ट दिस। सो और इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं राजा को कुछ और चाहिए थे ताकि वो फोर्टिफिकेशन करा सके, उसको सोर्स चाहिए थे, कहीं ना कहीं रिसोर्स संसाधन चाहिए थे, क्या ऐसा हो ताकि उसको पे किया जा सके। और इतना ही नहीं, बिग इतनी बड़ी आर्मी को जो राजा साल भर सैलरी दिया करते थे वो सैलरी के पैसे भी कहीं ना कहीं से राजा को चाहिए थे। तो राजाओं ने दे नीडेड मोर रिसोर्सेज एंड दे नीडेड ऑफिशियल टू कलेक्ट दिस। और उन्हें पदाधिकारी भी चाहिए होते राजा को जो इन सब चीज के रिसोर्सेज को कलेक्ट कर सके। अब चाहे जहां से कर सके हम आगे देखें कैसे कलेक्ट करते हैं, लेकिन इसके कलेक्शन के लिए, यानी कि अगर हम सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में कहें तो टैक्स के कलेक्शन के लिए राजा को कहीं ना कहीं ऑफिशियल यानी पदाधिकारी चाहिए थे और आर्मी
को मेंटेन करने के लिए, फोर्टिफिकेशन करने के लिए, आसान शब्दों में कहे तो राजा को अब टैक्स की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि राजा भी कहीं ना कहीं उसे भी तो चाहिए थे इतने बड़े आर्मी फोर्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, आगे कहता है, सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग एन ओकेजनल गिफ्ट ब्रॉट बाय द पीपल एज इन द केस ऑफ द राजा द जनपद दे स्टार्ट कलेक्टिंग रेगुलर टैक्स। और हाँ, यह एक और इम्पोर्टेंट है, अक्सर गिफ्ट तो राजा को मिलते ही थे उपहार के तौर पर, कभी पैसे, कभी कॉइन्स, कभी अशरफियां, सोने चांदी, बहुत सारी चीजें मिलते थे राजा को तोहफा गिफ्ट के तौर पर। लेकिन इन सब के बावजूद वो राजा ने क्या किया, आगे चलकर टैक्स वसूल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब वो टैक्स कैसे थे जरा इसके बारे में देखेंगे, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्स। हाँ, राजा ने रेगुलर टैक्स किया। नंबर वन देखते हैं, यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हैं जरा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर वन पॉइंट क्या है, टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, फसलों पे उसने राजा ने क्या किया, कर लगा दिया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी था। कैसे, टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपुल वेयर फार्मर्स। यस, पॉइंट यहाँ पे है, क्रॉप्स के ऊपर टैक्स लगाने का पर्पस ये था कि उस किसी भी साम्राज्य में मोस्टली जो है वो कहीं ना कहीं खेती पे डिपेंड करते हैं, वहां के लोग जो है खेती पे, फार्मर्स हुआ, किसान हुआ करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों से ज्यादा टैक्स मिल सकता है, रिसोर्सेज जो है ज्यादा हैवी मात्रा, हैवी क्वांटिटी में जो है अर्न हो सकते हैं, इसलिए उसने फसल्स पे क्या किया, टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स, यस, क्रॉप्स को इसने टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। व्हाइल द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस वाज बिकॉज मोस्ट पीपल ऑफ द फार्मर्स यूजुअली द टैक्स वेयर फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ व्हाट प्रोड्यूस्ड, दिस वाज नोन एज भागा और अब शेयर। यस, अब यहाँ टैक्स के बारे में जरा डिस्कस करें, कह रहा है कि क्रॉप्स पे टैक्सेस तो लगा दिए गए, लेकिन कंडीशन ये थी कि आप जितना भी किसान प्रोड्यूस करेंगे उसका 1/6 भाग यानी 1/6 जो है वो टैक्स के पे टैक्स के तौर पर पे करना पड़ेगा अपने राजा को, जितना भी आपने प्रोडक्शन किया उसका 1/6 भाग जो है वो उसे राजा को टैक्स के तौर पर देना पड़ेगा, जिसे दिस वॉज नोन है, जो कि भागा के नाम पे जानते, जैसे कि एक खेत प्रोडक्शन जैसे हुआ उसका 1/6 भाग जो कहते हैं, या फिर भागा कह सकते हैं, भाग भागा जो भी हो, शेयर या फिर शेयर के नाम से जानते हैं, यानी किसी भी, अगर मैंने ये मेरे पास 4-6 चीजें हैं उसका 1/6 भाग जो है, यानी कि उसमें से 1/6 भाग जो है वो राजा को कहीं ना कहीं पे करना पड़ता था, बाकी जो रेस्ट अमाउंट थे वो फार्मर्स अपने साथ कैरी कर सकते थे। आगे देखते हैं, देयर वेयर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल, और इतना ही नहीं क्राफ्ट पर्सन के ऊपर भी टैक्सेस लगाए जाते थे, अलग तरह के टैक्सेस। यस, कह रहा है देयर वेयर टैक्सेस ऑन टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल, दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, फॉर एग्जाम्पल अ वेवर और अ स्मिथ मे हैव टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ ऑफ द किंग। और हाँ, क्राफ्ट पर्सन के अगर बात करें तो या तो हम वेवर की बात कर रहे हैं या फिर स्मिथ की बात कर रहे हैं, इन लोगों पर भी विशेष तरह का टैक्स लगाया जाता था, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, कह रहा है स्मिथ मे हैव हैड अ वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर अ किंग, हो सकता है कि आपको पूरे मंथ में एक ऐसा दिन हो जो आपको राजा के लिए काम करना पड़ सकता है। यस, इस तरह के भी टैक्सेस हुआ करते थे। आगे देखते हैं, नंबर थ्री, हर्डर्स वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस। और हर्डर्स जो थे, जो चरवाहा हुआ करते थे, किसान है सॉरी, जो पशु मवेशियों को पालन पोषण करते थे, उनके ऊपर भी टैक्स लगाई जाती थी, उनको भी टैक्सेस पे करना था, एनिमल्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस, या तो एनिमल्स से जो पैसे आ रहे थे उनसे, या फिर उसके पशु से उत्पादित जो चीज है, लाइक काउ की बात करें तो मिल्क के ऊपर जो आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो उसका कुछ जो हिस्सा है वो उसके टैक्स के तौर पर राजा को देना होगा, या फिर या तो इस तरह की बात हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, देयर वर आल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स देयर वर ब्राउट एंड सोल्ड फ्रॉम द ट्रेड। और हाँ, व्यापार का क्षेत्र भी इससे बचा नहीं था, कहीं ना कहीं व्यापार में भी टैक्स की बात आती है, जो कि आज भी है, अब तब भी टैक्स की बात करें तो वो व्यापार में भी इंक्लूड था। कह रहा है देयर वर आल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स, जो आप सामान अगर वहां जो परचेज या फिर बेचे जाते थे उसके ऊपर भी एक तरह का टैक्स लगा दिया गया था राजा के थ्रू, राइट। ये सब सोर्स थे, जितने पॉइंट मैंने देखे सारे सोर्स है राजा के, जो उसने मेंटेन किया था आर्मी और फोर्टिफिकेशन को फुलफिल करने के, ये सारे सोर्स थे। एंड लास्ट वन इज द एंड हंटर्स एंड गैदरर्स आल्सो हैड प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। और इतना ही नहीं, अभी तो हमने बात किया पोल्ट्री की, ट्रेडर्स के, लेबर्स के, सबके बात किया हमने, राइट, लेकिन लास्टली
हंटर गैदरर्स को भी इस टैक्स के दायरे में आना पड़ गया था लास्ट की अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जो हंटर गैदरर्स थे उन्हें भी टैक्स पे करना असर पड़ सकता है, पड़ता था राइट। अब आप कहेंगे हंटर गैदरर्स कैसे एबल थे देने में, तो इसका सबसे आसान यहां कह रहा है एंड हंटर गैदरर्स ऑल्सो हैव टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अगर आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है, कोई सामान नहीं, गुड्स नहीं है, तो आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो टैक्स के तौर पर आपको राजा को देना होता था और वो प्रोड्यूस को कहीं ना कहीं राजा यूटिलाइज में ला सकता था। कह रहा है फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा, राजा को आप जो भी आप जैसे हंटर गैदरर्स जो खाना बदोस थे जो एक जगह दूसरे को मूव ऑन करते रहते थे, उनको कहीं ना कहीं जंगलों से उत्पादित होने वाले चीज लाइक फ्रूट्स वुडन दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू पे एज अ टैक्स टू द राजा, टैक्स के तौर पर इन सब चीजों को आपको राजा को पे करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हंटर गैदरर्स भी इसके दायरे में आते थे। और आगे एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन प्रोवाइडेड बाय हंटर एंड गैदरर्स। यस, ये क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बताया, व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन प्रोवाइडेड बाय हंटर एंड गैदरर्स। ठीक है, इसके आगे जब हम आएंगे तो बेसिकली हम पढ़ेंगे दैट इज चेंजेस इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी कुछ चेंजेस देखने को मिले थे, वो चेंजेस कैसे थे इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे राइट। तो आज हमने बेसिकली पढ़ा हाउस एंड मैन बिकम रूलर्स, जनपद के बारे में हमने जाना, जनपद कैसे कैसे जनपद वर्ड का ओरिजिन हुआ लाइक, फिर आगे चल के जनपद महाजनपद में कैसे बदल गया, महाजनपद में कौन सी चीजें आती हैं लाइक कैपिटल आता है राजा उसमें फोर्टिफिकेशन करवाता है आर्मी मेंटेन करता है लाइक दैट। फिर फाइनली हमने आज टैक्स के बारे में, टैक्स जो है वो किस तरह के टैक्सेस थे, उन टैक्सेस में टैक्सों में कौन सी चीजें इंक्लूड हुआ करती थी, इन सारी बात चीजों के बारे में हमने बेसिकली पढ़ा। और फाइनली हमने हम जो है इन सब चीजों को कंप्लीट करने में जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे दैट इज चेंजेस इन एग्रीकल्चर, उसके बाद अगला टॉपिक होगा एक क्लोजर लुक ऑफ मगध, इसके बाद जब हम पढ़ेंगे क्लोजर ऑफ मगध के बारे में नजदीक से परीक्षण करेंगे, और उसके बाद देखेंगे क्लोजर लुक ऑफ वज्जी, वज्जी भी एक जगह था उसके बारे में पढ़ेंगे। फाइनली ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके एवरीवन, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक इज चेंजेस इन एग्रीकल्चर। बाय।